साथियों, आज आप सबका आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। एक बेहद गंभीर दुखदायी विषय पर आज आम आदमी पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और दिल्ली की जनता को आप सबके माध्यम से ये अवगत कराने जा रही है कि दिल्ली के मतदाता रोल्स यानी कि इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची से बहुत बड़े स्तर पे हेरफेर और छेड़छानी के मुद्दे सामने आए हैं और लगभग हमारा अनुमान है कि लगभग 1,00,000 वोट केवल दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, जिसका प्रभारी आम आदमी पार्टी ने मुझे बनाया, उससे काट दिए गए हैं, उड़ा दिए गए हैं, केवल एक लोकसभा क्षेत्र से। मैंने और हमारे साथी विधायकों ने इस पर कुछ जांच पड़ताल करी, वो सारे दस्तावेज, सारे एविडेंसेस हम आपके सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखने जा रहे हैं। किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के शुचिता के, निष्पक्ष इलेक्शंस के आधार होते हैं सही और पवित्र मतदाता सूची यानी कि इलेक्टोरल रोल्स। यदि इलेक्टोरल रोल्स यानी कि मतदाता सूची से ही छेड़छाड़ हो जाए, उनमें वोटर्स के नाम हटा दिए जाएं, जो मौजूद हैं, वहां रहते हैं, जिंदा हैं, उन लोगों के नाम हटा दिए जाएं इतने बड़े स्तर पे, तो चुनाव निष्पक्ष हो ही नहीं सकते और पूरी चुनावी प्रक्रिया, जो एक निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया का परिकल्पना हमारे संविधान में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में करी गई है, वो धराशायी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी ये बात अब समझ चुकी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बुरी तरीके से हारने वाली है और उस हार को देखते वो इतने बौखला गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल रोल से, मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम कटवाने शुरू कर दिए हैं। यह कार्यक्रम पिछले 1 साल से चल रहा है, जो हमें नजर आ रहा है, इस पर जांच बैठेगी तो शायद और गंभीर चीजें सामने आए। बिना किसी प्रोसेस का पालन करे, बिना किसी प्रक्रिया को अडॉप्ट करे, हमारा अनुमान है कि 1,00,000 वोट केवल दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से ही भारतीय जनता पार्टी ने गैर कानूनी ढंग से, असंवैधानिक तरीके से मतदाता सूची से कटवा दिए, इलेक्टोरल रोल से हटवा दिए। मैं कुछ आंकड़े आपको देता हूं। हमारे पास जो जो वोट कटवाए गए हैं उसकी पूरी सूची पिछले 4 सालों की तो नहीं है, जब से मोदी सरकार सत्ता में आई, पर कुछ महीनों की है। एक लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभाएं आती हैं। हमारी दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में बदरपुर से तुगलकाबाद, कालकाजी, अंबेडकर नगर, संगम विहार, देवली, छतरपुर, मेहरोली, बिजवासन पालम, ये 10 विधानसभाएं आती हैं। इनमें से कुछ विधानसभाओं के डिलीशन के आंकड़े हमारे सामने आए और ये सामने जो आए हैं आंकड़े, जो नाम सामने आए हैं, जो डिलीशन लिस्ट सामने आई है, ये भी एक बहुत छोटे से कार्यकाल की है। किसी विधानसभा की लिस्ट 6 महीने की है कि पिछले 6 महीने में इतने वोट काटे गए, किसी विधानसभा की लिस्ट पिछले 1 साल की है कि पिछले 1 साल में इतने वोट काटे गए, और कुछ विधानसभा की लिस्ट जो सामने आई उसमें ये 18 महीने की वोट डिलीशन की सूची सामने आई। और जो आंकड़े अभी तक हमारे सामने आए हैं, जिसका हमने संज्ञान लिया है, वो कुछ इस प्रकार है। छतरपुर विधानसभा से लगभग 7500 वोट काट दिए गए हैं, बिजवासन विधानसभा से 12,000 से अधिक वोट काट दिए गए हैं, तुगलकाबाद विधानसभा, जिसके लोकप्रिय विधायक आदरणीय सही राम जी मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी विधानसभा से
लगभग 6000 वोट काट दिए गए हैं, और ये जो वोट काटे गए हैं ये पिछले 6 से 8 महीने और कुछ कुछ केसेस में पिछले 12 महीने में काटे गए हैं, यानी कि औसतन 10,000 वोट हर विधानसभा से पिछले 12 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने कटवा दिए हैं। मुझे यह सोच के डर लगता है, मैं भयभीत हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं कि पिछले 4 साल में मोदी सरकार ने तंत्र का दुरुपयोग कर न जाने कितने वोट, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से न जाने कितने वोट दिल्ली में कटवा दिए होंगे। अभी तो हमारे पास केवल पिछले 1 साल के, वो भी कुछ कुछ विधानसभाओं के आंकड़े सामने आए हैं। और जब हमने ये जांच पड़ताल करी कि ये कौन से वोट काटे जा रहे हैं, ऐसी भारी मात्रा में कहां कहां वोट काटे जा रहे हैं, तो हमें यह पता लगा जांच पड़ताल करने के बाद कि वो पोलिंग बूथ जहां आम आदमी पार्टी सदैव से जीतती आई है, सदैव से विजय रही है, उन पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों से मिलकर भारी मात्रा में वोट कटवा दिए। उदाहरण के तौर पे कुछ ऐसे पोलिंग बूथ जहां पर 900 वोट रजिस्टर्ड है, 900 मतदाता का पंजीकरण है, और वहां पर औसतन आम आदमी पार्टी के वोट 850 से 900 के बीच में पड़ता है, यानी कि पूरा बूथ आम आदमी पार्टी वन साइडेड एक तरफा जीतती आई है, उन पोलिंग बूथ पे आधे से ज्यादा वोट उड़ा दिए गए हैं, वोट डिलीट करा दिए गए हैं, यानी कि बहुत सोची समझी साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत जहां जहां आम आदमी पार्टी के वोट हैं, जहां आम आदमी पार्टी के समर्थक रहते हैं, उन उन पोलिंग बूथ को टारगेट कर वोट कटवाए गए हैं। बहुत लोग हमारे पास आए पिछले कुछ दिनों में, उन्होंने कहा मैं आपको दिखाता हूं कि हमें इस प्रकार के नोटिस इलेक्शन कमीशन द्वारा भेजे जा रहे हैं कि जी आप इस पते पर रहते नहीं, हम आपका वोट काटने जा रहे हैं। ऐसे 8-10 केस मैं आज आपके सामने लाया हूं कि अब आप इस पते पर रहते नहीं, आपका वोट हमने काट दिया है या हम काटने जा रहे हैं। ये हमारे कार्यालय आए, ये अफसर के पास गए, ये डीएम एसडीएम के दफ्तर गए, इन्होंने कहा कि भाई मैं तो यहां रहता हूं, आप मेरा वोट कैसे काट रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हमें जानकारी मिली थी, हमने आपका वोट काट दिया। ये तो कुछ 8-10 उदाहरण आज मैं आपके सामने लाया हूं, केवल 8-10 उदाहरण। और इस बात की पुष्टि कि ये उन पोलिंग बूथ पे वोट काट रहे हैं, यानी कि उन मतदाताओं का वोट काट रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के समर्थक है, आम आदमी पार्टी को वोट डालते हैं, इस तथ्य की पुष्टि इस बात से हो जाती है कि हमारे आदरणीय विधायक साही राम पहलवान जी, इनके परिवार के सारे वोट काट दिए हैं। मैं अभी आपको थोड़ी देर में साही राम जी आप सबको ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि इनके परिवार के ही वोट काट दिए गए हैं भाजपा द्वारा। भाजपा का बस चलता तो इनका वोट भी काट देती, पर यदि इनका काटती तो इनकी सदस्यता चली जाती और बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता, तो इनका वोट छोड़ दिया, नहीं तो इनके पूरे परिवार का वोट काट दिया है। यह सच्चाई है भारत के लोकतंत्र की आज की समय। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रही है। एक पूरी प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन ने एक प्रक्रिया बताई है कि केवल 2 स्थिति में आप किसी भी मतदाता का वोट मतदाता सूची से काट सकते हैं। पहला केस जब वो व्यक्ति वहां अब रहता नहीं है उस घर में, और दूसरा केस उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इन दोनों केसेस में एक पूरे प्रोसेस का पालन होता है। उदाहरण के तौर पे यदि कोई व्यक्ति अब वहां रहता नहीं है
और किसी आस पड़ोस वाले ने कंप्लेंट डाल दी कि ये फलाना फलाना आदमी अब यहां नहीं रहता, इसका वोट आप इलेक्टोरल रोज से हटा दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन का एक दायित्व बनता है, जो प्रोसेस है उसके हिसाब से, कि वो पहले तो उसके घर पे चिट्ठी भेजेंगे। अगर चिट्ठी लेने के लिए वो व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है तो उसके घर पर वो चिट्ठी लगाएंगे, चिपकाएंगे, और चिपकाएंगे अकेले नहीं, चुपचाप नहीं, आस पड़ोस वालों को बुलाकर दो विटनेसेस के सामने, दो गवाहों के सामने उसके घर पे वो नोटिस को चिपकाया जाएगा। उसमें एक समय सीमा दी जाएगी कि इन 15 दिन में, इन 20 दिनों में, इन 4 हफ्तों में आप इलेक्शन कमीशन के पास जाकर अपनी वैधता, कि आप अभी भी इस पते पर रहते हैं, उसको सिद्ध करें, क्योंकि हमें कुछ जानकारियां मिली हैं। और यदि वो व्यक्ति नहीं आ पाता है उस समय में, तो फिर BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर फिर जाकर जांच पड़ताल करता है और अंत में एक रिपोर्ट सबमिट करता है कि मैं इतनी बारी गया, मैंने ये दस्तावेज वहां पर चिपकाए, उनको दिए, और अभी तक वहां पे उनका नामो निशान है। ये पूरी प्रक्रिया है। उसके बाद काटने से पहले इनके नामों को वेबसाइट पर डाला जाता है कुछ हफ्तों के लिए, कि किसी भी व्यक्ति को जनता में या किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी प्रकार की आपत्ति है तो आप आपत्ति रेस करें। और उसके बाद नाम काटा जाता है, और नाम काटने के बाद वो सूची राजनीतिक दलों को, उस राज्य की वो सूची सौंपी जाती है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इस प्रक्रिया के एक भी स्टेप का पालन इनमें से किसी केस में नहीं किया गया। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो डिलीशन कैसे होता है, तो उसका नाम कैसे हटाया जाता है, डेथ सर्टिफिकेट एज एन एविडेंस लगता है। जब तक डेथ सर्टिफिकेट आपके एज एन एविडेंस लगकर ना जाए, उसका नाम नहीं काटा जाता, या उसके आस पड़ोस वाले, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार लिखित में ये नहीं दे देते कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, अब आप इनका नाम मतदाता सूची से हटा सकते हैं। जब इस पूरे प्रोसेस का पालन नहीं होता, या एक भी स्टेप का इस पूरे प्रोसेस में पालन नहीं होता, तो आप मतदाता का नाम इस सूची से हटा नहीं सकते। मतदाता सूची की पवित्रता पूरे लोकतंत्र का आधार है। यदि मतदाता सूची अपवित्र हो जाए तो चुनाव का कुछ औचित्य ही नहीं रहता, लोकतंत्र का कुछ औचित्य ही नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ा अपराध है जो कुछ अफसरों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलकर किया है, और आज ये सब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये यकीन हो जाता है कि इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी सर्विसेज डिपार्टमेंट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से छीनना चाहती है और उनको वापस नहीं सौंपना चाहती। यही कारण है कि सर्विसेज डिपार्टमेंट, जो तमाम अफसरों पर नियंत्रण रखता है, उनको काम सौंपता है, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग करता है, ये सारा दारोमदार, ये पूरा डिपार्टमेंट आज भाजपा ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को सर्विसेज डिपार्टमेंट नहीं सौंपा हुआ। कुछ अफसर ऐसे हैं जो अपनी पैंट के नीचे खाकी निक्कर पहनते हैं और भाजपा के नेताओं से मिलकर इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या करते हैं। मैं आज उन अफसरों को कहना चाहता हूं कि आप खुलकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, चुनावी राजनीति में आ जाइए, अफसरशाही के मखौटे पहनकर इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या ना करें आप। और हम डिमांड करते हैं, नंबर एक, जिन जिन वोटर्स का नाम पिछले 1.5 साल में काटा गया, पिछले 18 महीने में काटा गया, उन तमाम वोटर्स का नाम रिस्टोर करा जाए, उन नामों की पुनर्स्थापना करी जाए तमाम इलेक्टोरल रोल्स में। हमारी दूसरी मांग, राइट टू वोट, जो एक संवैधानिक अधिकार है, इस संवैधानिक अधिकार का रेस्टोरेशन चुनाव आयोग कराए, यह आप सबका संवैधानिक अधिकार है। और जिन जिन अफसरों ने इस पूरे षड्यंत्र में भागीदारी निभाई है, हिस्सा लिया है, शिरकत करी है इस पूरे अपराध में, इस आपराधिक मामले में,
उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको नौकरी से बेदखल करा जाए और सलाखों के पीछे डाला जाए। यह साफ है कि 2019 में मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी चुनाव हारने जा रहे हैं और एकमात्र रास्ता है ये चुनाव जीतने का मोदी जी के पास, एकमात्र रास्ता है कि चुनावी रोल्स मतदाता सूची से छेड़छाड़ करो और चुनाव जीतो। जो जो मतदाता आम आदमी पार्टी के हैं उनका नाम यदि आप हटा देंगे इलेक्टोरल लिस्ट से बूथ वाइज कैलकुलेशन करके और आप जीत जाएंगे चुनाव, तो आपको लगता है ये लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन है, ये जनता होने देगी? मैं आज इस मंच से दिल्ली की जनता को ये अपील करना चाहता हूं कि आप सब अभी तो कुछ हजार वोट एक एक विधानसभा में हमारे संज्ञान में आए हैं और पिछले कुछ हफ्तों से मैं इसका पूरा ऑडिट कर रहा हूं, न जाने ऐसे कितने केसेस होंगे पूरी दिल्ली में जहां पे आम आदमी पार्टी के समर्थकों का या जो व्यक्ति भाजपा का विरोध करता है उस व्यक्ति का वोट पूरे सुयोजित ढंग से षड्यंत्र के तहत वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। मैं अपील करता हूं सारे दिल्ली के नागरिकों से कि आप तुरंत चाहे इलेक्शन दफ्तर जाकर, चाहे DM SDM के दफ्तर जाकर या इंटरनेट पर नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कर ये पता कर लें कि आपका वोट भारतीय जनता पार्टी ने गैर कानूनी असंवैधानिक ढंग से कटवा तो नहीं दिया। ये वेबसाइट का एड्रेस मैं बताना चाहूंगा इस मंच से, www.nvsp.in nvsp national voters services portal.in, इस पर लॉगिन भी कर सकते हैं, इलेक्शन दफ्तर भी जा सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि आपका वोट कटा तो नहीं है। और जिन जिन साथियों का वोट भारतीय जनता पार्टी ने कटवा दिया है उनसे मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द आप सब अपना वोट बना लें और भारतीय जनता पार्टी को इस गैर कानूनी ढंग से चुनाव ना जीतने दें। हम भी प्रयास करेंगे और सबसे पहले तो मैं ये मांग कर रहा हूं, जैसा कि मैंने कहा चुनाव आयोग से, कि पिछले 1.5 साल में जितने वोट काटे गए हैं उन सब का रेस्टोरेशन किया जाए, क्योंकि इनमें से एक भी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो हर कानूनी प्रक्रिया का आधार होता है वो सबकी छीन ली गई है केवल इस इकलौते बेसिस पर। पूरे 1.5 साल में जितने वोट काटे गए हैं सबको वापस पुनर्स्थापित करा जाए, उनका रेस्टोरेशन करा जाए वोटर लिस्ट में। अब मैं आदरणीय सहीराम जी से कहूंगा कि आप सबको संबोधित करें। देखिए ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। इस लिस्ट में जो हमने चिन्हित किए हैं ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके अपने पैतृक मकान गांव में हैं, मूल गांव के मूल निवासी हैं, उन लोगों के भी नाम उड़ा दिए गए हैं। और मैं तो इतने समय से राजनीति करता आया हूं, चुनाव लड़ चुका कई बार, मेरे परिवार के एक आम आदमी के साथ क्या होगा जब मेरे ही परिवार के पूरे नाम उड़ा दिए, तो कैसे फिर चुनाव होंगे? तो ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। ये लिस्ट मेरे पास है, इसमें हमने चिन्हित किए जो लोग मूल निवासी हैं यहाँ के, जिनकी अपने पर्सनल मकान है, उन लोगों के नाम भी डिलीट कर दिया। इनको कोई नोटिस नहीं दिया, इनको कोई सूचना नहीं दी गई, इनके यहाँ कोई जांच पड़ताल करने भी नहीं गया, खाली नाम उड़ा दिए गए हैं, तो कैसे फिर चुनाव होंगे? तो अभी जैसे राघव चड्ढा जी कह रहे हैं तो हमारी भी यही डिमांड है कि इनको दोबारा से रिस्टोर किया जाए और दोबारा से इसकी जाँच पड़ताल की जाए जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके। एक मिनट, मैं एक बारी बता दूं, आप यहां पर देख सकते हैं ये एक पेज है जहां जहां वोट डिलीट करे गए हैं, इस पे आप देख सकते हैं जो हमने 3-4 हाईलाइट करे हैं। जयवती उससे ऊपर है, जयवती जी आप देख सकते हैं, ये सही राम जी के परिवार के लोग हैं, इनके साथ इनके घर में रहते हैं। फिर आप देख सकते हैं
बत्ती जी, इनका नाम काटा गया, इनकी चाची हैं, इनका नाम काटा गया है। फिर आप देख सकते हैं जगवती जी, ये मेरी भाभी हैं, ये इनकी भाभी हैं, इनका नाम काटा गया है। फिर आखिर में आप देख सकते हैं किशन, ये मेरा बेटा, ये इनके बेटे हैं, इन्हीं का नाम काट दिया है। जब परिवार के 3-4 सदस्य जो इनके साथ इनके घर में पुश्तैनी घर में रहते हैं उन्हीं का वोट काट दिया, तो सोचिए साधारण व्यक्ति की क्या हालत होगी। ये रही वो लिस्ट, हम भी लाए अभी आपको दे देंगे, ये वो लिस्ट है, ये तो एक पेज में लाया हूं आज, कई हजारों की तादाद में है ये। हमारे विधायक जी के परिवार के लोगों के वोट भाजपा वालों ने कटवा दिए, तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये लोग। ये वो लिस्ट है जनवरी सब तक की, और ये केवल, ये जो सही राम जी जो लिस्ट दिखा रहे हैं केवल जनवरी 2018 से लेकर अभी तक की लिस्ट है जो वोट काटे गए हैं। ये लगभग 6000 नाम है, ये केवल और केवल पिछले 10 महीने की लिस्ट है। आप सोचिए कि पिछले 3.5-4 सालों में जब से एक अपमानजनक हार दिल्ली की जनता ने भाजपा को दी, तो तब से ये लोग कितनी छेड़छाड़ मतदाता सूची से कर चुके होंगे, कितने वोटर आम आदमी पार्टी के कटवा चुके होंगे। जो भी व्यक्ति भाजपा को हराना चाहता है आज ही अपना वोट बनवाए, जो भी व्यक्ति भाजपा को हराना चाहता है आज ही वेबसाइट पर जाकर या चुनाव के दफ्तर जाकर, डीएम के दफ्तर जाकर ये चेक करे कि उसका वोट कहीं भाजपा वालों ने कटवा तो नहीं दिया, क्योंकि ये सीधे तरीके से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ईवीएम मशीन से भी छेड़खानी करते हैं, वोटर लिस्ट से भी छेड़खानी करते हैं। और यदि एक लोकसभा क्षेत्र में, दिल्ली में 7 लोकसभा आती हैं, यदि एक लोकसभा क्षेत्र में लगभग 1,00,000 वोट पिछले 1-1.5 साल में कटवा दिया, तो सोचिए पूरी दिल्ली में कितनी लाखों की तादाद में वोट कटवाए गए होंगे। एकमात्र तरीका है भाजपा का चुनाव जीतने के लिए, नहीं तो जिस प्रकार से आर्थिक बर्बादी, सांप्रदायिक तनाव इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने उत्पन्न करे हैं और देश को बर्बाद करा है पिछले 4-4.5 साल में, उनकी हार निश्चित है। और एकमात्र तरीका है चुनाव जीतने का, वोटर लिस्ट में फ्रॉड करो। देखिए एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा, ये जीबी पंत पॉलिटिकल कॉलेज है, इसमें सरकारी, सब सरकारी कर्मचारी रहते, स्टाफ क्वार्टर है, कोई सरकारी कर्मचारी स्टाफ क्वार्टर छोड़कर नहीं जा सकता, उनके पूरे के पूरे लिस्ट में नाम काट दिए। इसी तरह से एक है रेलवे कॉलोनी, पैरातपुर के पास रेलवे कॉलोनी है जिसमें रेलवे के स्टाफ क्वार्टर हैं, उनमें से 70% लोगों के नाम काट दिए, सरकारी स्टाफ के में जो रहते हैं, जिनको स्टाफ का क्वार्टर मिला होता है सरकारी को, उनके नाम उड़ा दिए गए हैं। ये कैसे संभव हो सकता है?